नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आप सबका इस डिफेंस सेगमेंट में। और इस डिफेंस सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा खरीदे जाने वाले अपकमिंग 464 T-90MS टैंक के बारे में। तो जी हां दोस्तों, तो जैसा कि बहुत सारे व्यूअर्स ये चाहते थे कि हम T-90MS को प्रीवियसली T-90S से कंपेयर करें, जिसे इंडियन आर्मी में T-90 भीष्मा के नाम से भी बताया जाता है। तो इस कंपैरिजन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम उन्हीं चीजों को देखेंगे जो कि इस टैंक में इंप्रूव किया गया है प्रीवियस वर्जन के कंपेयर में। तो बात करते हैं T-90MS टैंक की, जो कि एक मेन बैटल टैंक है, जिसे 2012 में लॉन्च किया गया था रशियन आर्मी के लिए। इसके कुछ खूबियों में से जो मुख्य खूबी है वो है इसका हाईली ऑटोमेटेड फायर कंट्रोल सिस्टम, जो कि इसके कॉम्बैट पोटेंशियल को इंक्रीज करता है, इनहेंस करता है। और ये पॉसिबल हो पाया है इसके हाईली ऑटोमेटेड फुल्ली आर्म्ड टरेट सिस्टम की वजह से। तो जैसा कि आप सब जानते होंगे, टरेट सिस्टम किसी भी टैंक का प्रमुख पार्ट होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो इंपॉर्टेंट वेपन्स होते हैं वो टरेट सिस्टम पे ही लोड किए जाते हैं और वहीं से फायर किए जाते हैं। ये टैंक यूज करता है अपने कम्युनिकेशन के लिए लेटेस्ट जनरेशन का डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम, जिसमें इंप्लीमेंट किया गया है बैटल इंटरेक्शन कंट्रोल सिस्टम, जिसकी हेल्प से आर्मी के मेन कमांड से, मेन कंट्रोल कमांड सिस्टम से इस टैंक के ऑपरेशन के बारे में जानकारी ली जा सकेगी इसके कम्युनिकेशन डिवाइसेस का यूज करके, जो कि ग्लोनास सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम का यूज करता है। अगर आप पूरी दुनिया में इसको कंपेयर करते हो सर्चिंग स्पीड ऑफ टारगेट के पैरामीटर पे, या फिर एक्यूरेसी के पैरामीटर पे, या फिर इफेक्टिव फायर रेंज की पैरामीटर पे, तो इस टैंक को आप वन ऑफ द बेस्ट कह सकते हो इन सभी पैरामीटर्स पे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके न्यू ऑटोमेटेड फायर कंट्रोल सिस्टम के बारे में, जिसमें दिया गया है 125mm का 2A46M5 गन सिस्टम, जो कि एक मिसाइल लॉन्चर है। वहीं पे दिया गया है एक और रिमोट कंट्रोल मशीन गन माउंट। अब बात कर लेते हैं इसके ऑटोमेटेड गन फायर 125mm 2A46M5 मिसाइल लॉन्चर के बारे में। तो इसमें क्या क्या खूबियां हैं उसे जान लेते हैं। तो इस सिस्टम को बहुत ज्यादा रिसर्च और R&D के बाद डेवलप किया गया है। इसकी प्रिसीजन वैल्यू और फायरिंग एक्यूरेसी है वो प्रीवियसली T-90 के कंपेयर में 15% से और बढ़ा दी गई है, जिसकी वजह से इसके द्वारा फायर किया गया प्रोजेक्टाइल का जो डिस्पर्सन है उसे लोअर कर दिया गया है, और इफेक्टिव फायर रेंज का जो रेट है उसे इंक्रीज कर दिया गया है। और ये अब तकरीबन 2700 मीटर तक इफेक्टिवली किसी प्रोजेक्टाइल को फायर करने में सक्षम है, जो कि एट प्रेजेंट दुनिया में सबसे बेस्ट है। इसके टरेट के बेस में दिया गया है ऑटोमेटिक लोडर, जो कि तकरीबन 8 राउंड पर मिनट फायर करने की सलाहियत रखता है। चाहे वो किसी भी कंडीशन में फायर कर रहा हो, एक्सट्रीम हीट हो या फिर एक्सट्रीम कोल्ड, हर कंडीशन में 8 राउंड पर मिनट फायर करने की कैपेबिलिटी रखता है। और इस ऑटोमेटिक लोडर में तकरीबन 22 मिसाइल्स या प्रोजेक्टाइल लोड किए जा सकते हैं ऑटोमेटिकली, जबकि बाकी के जो 18 प्रोजेक्टाइल होंगे वो एज ए स्टोरेज के रूप में किसी और जगह पर रखे होंगे। क्योंकि आपको बता दूं, ये तकरीबन 40 डिफरेंट तरह के प्रोजेक्टाइल, या फिर आप जिसे वेपन कह सकते हो, वो कैरी करने में सक्षम है। और इसके जो 8 राउंड फायर करने की क्षमता है उसका मैच अभी पूरी दुनिया में कोई नहीं है। इसके मिसाइल फायर किए जाने वाले बैरल में दिया गया है गन बैरल बैंड सेंसर्स, जो कि ये सुनिश्चित करते हैं कि जो भी बैरल के अंदर टेम्परेचर है और बैरल के आउटर पोर्शन पे जो टेम्परेचर है, उन दोनों को मैच करके इस बैरल के द्वारा फायर किए जाने वाले मिसाइल की जो प्रिसीजन वैल्यू है उसे इम्प्रूव किया जाए। अगर बैरल के इनिशियल पोर्शन और बैरल के फाइनल पोर्शन पे टेम्परेचर डिफरेंस होगा, तो फायर करने के बाद कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिसकी वजह से ओवरऑल जो प्रिसीजन वैल्यू होगी प्रोजेक्टाइल की वो थोड़ी गड़बड़ होगी। तो उस चीज़ को मैनेज करने के लिए बैरल के इनर और आउटर टेम्परेचर को कैलकुलेट करके ये प्रिसीजन वैल्यू तैयार करता है, और तब प्रोजेक्टाइल को फायर करता है। अब बात कर लेते हैं इसी टैंक पे माउंट किए गए रिमोट कंट्रोल मशीन गन माउंट की, जो कि एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है। और ये मशीन गन माउंट 360 डिग्री एंगल में किसी भी टारगेट को हिट करने में सक्षम है, और इसका मशीन गन माउंट तकरीबन 800 राउंड फायर करने में सक्षम है। और ये मशीन गन माउंट कनेक्टेड होगा टैंक के कोएक्सियल मेन गन आर्मामेंट से। अब बात कर लेते हैं किस तरह के वेपन ये कैरी करता है। तो ये T-90MS टैंक स्पेशली 4 तरह के वेपन कैरी करने में सक्षम है, जो कि हर तरह के आर्मर्ड व्हीकल, रीइंफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर और टैंक्स को डिस्ट्रॉय करने में सक्षम है। दूसरे वेपन के रूप में ये कैरी करता है PDS प्रोजेक्टाइल, जिसकी रेंज तकरीबन 5 किलोमीटर है, और ये एक गाइडेड मिसाइल है। और इस तरह के मिसाइल हैवली प्रोटेक्टेड किसी भी दुश्मन के सिस्टम को पेनिट्रेट करने में सक्षम है। और ये PDS प्रोजेक्टाइल, जिसकी रेंज 5 किलोमीटर है, किसी भी लो अल्टीट्यूड फ्लाइंग हेलीकॉप्टर को मार गिराने में सक्षम है। तीसरे वेपन के रूप में ये कैरी करता है APDS सिस्टम, जिसकी रेंज तकरीबन 3 किलोमीटर है, और इसे भी मुख्यतः एनिमी के प्रोटेक्टेड टैंक्स के सेल को भेजने के लिए यूज किया जाता है। अब बात कर लेते हैं इस टैंक में दिए गए गाइडेंस सिस्टम की, जो कि किसी भी प्रोजेक्टाइल को गाइड करता है। तो इसमें दिया गया है लेजर गाइडेड वेपनाइज्ड सिस्टम, जो कि किसी भी टारगेट को हिट कर सकता है 5 किलोमीटर दूर से ही, और ये डिस्टेंस तकरीबन इतनी पर्याप्त होगी कि दुश्मन आपको देख भी नहीं पाएगा। तो दुश्मन के नजरों में आने से पहले ही आप दुश्मन के टैंक्स को हिट करने में सक्षम होंगे। और इसमें दिए गए ये लेजर गाइडेंस सिस्टम ठीक उसी तरह काम करते हैं जिस तरह फाइटर एयरक्राफ्ट्स में रडार्स काम करते हैं मिसाइल को गाइड करने के लिए। इसमें दिया गया है लेजर रेंज फाइंडर, जो कि 360 डिग्री घूम के अपने टारगेट को हमेशा ट्रैक करता रहता है। और इस टैंक में दिया गया है 2 एक्सियल स्टेबलाइजेशन, मतलब किसी भी तरह के टेरेन में कितना भी उबड़ खाबड़ हो,
तो इसका जो स्टेबलाइजेशन सिस्टम है इसको हेल्प करता है अपने आप को स्टेबलाइज करने में, जो कि टारगेटिंग सिस्टम को किसी भी दुश्मन के टारगेट्स को ट्रैक करने में, निशाना बनाने में आसान बना देता है। अब बात कर लेते हैं इस टैंक में दिए गए प्रोटेक्शन की। अगर आप प्रोटेक्शन के रूप में देखते हो तो इसमें दिया गया है ऑटोमेटिक स्क्रीनिंग सिस्टम, जो कि हेल्प करता है दुश्मन द्वारा फायर किए गए ATGS सिस्टम से टैंक को सेफ गार्ड करने में। और इसके प्रोटेक्शन के लिए डिफरेंट डिफरेंट तरह के हल्स सेक्शन का यूज किया गया है, जिसे दुश्मन के द्वारा हिट किए जाने के बाद भी सेपरेटली निकाल के मेंटेन करके दोबारा लगाया जा सकता है। ये हल्स सिस्टम इसके साइड और फ्रंट दोनों तरफ दिए गए हैं, और इसके बैक में स्पेशली ग्रेनेड से बचाने के लिए लेयर की फॉर्म में एक प्रोटेक्शन सिस्टम प्रोवाइड किया गया है। अब बात कर लेते हैं इस टैंक की एजिलिटी की, कि ये टैंक कितना मूव कर सकता है, कितना फास्ट। तो इसमें दिया गया है स्पेशली 1130 हॉर्स पावर का इंजन, और इसके वेट के कम होने की वजह से और इसके साइज में छोटा होने की वजह से इन सभी चीज़ों का कॉम्बिनेशन इस टैंक की मोबिलिटी और एजिलिटी को काफ़ी इम्प्रूव करता है इसके प्रीवियस वर्जन के कंपेयर में, चाहे वो किसी भी एक्सट्रीम टेम्परेचर में क्यों ना हो। इसमें अब दे दिया गया है ऑटोमेटिक गियर शिफ्टिंग सिस्टम, और दूसरी तरफ इसके स्टीयरिंग्स का व्हील्स के साथ कनेक्शन काफ़ी स्मूथ कर दिया गया है, जिसकी वजह से इसकी जो मोबिलिटी है वो और भी इम्प्रूव हो गई है। बात कर लेते हैं इसके रेंज फाइंडिंग एंड टारगेट लॉकिंग डिवाइस के बारे में। तो इन सभी चीज़ों के लिए इसमें नए नए सेंसर्स और डिजिटल इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं, जो कि हेल्प करते हैं किसी भी टारगेट को 5 किलोमीटर दूर ही देखने में, वो भी एक अच्छे हाई रेजोल्यूशन मोड में। इसमें लगाए गए हैं तकरीबन 4 तरह के कैमराज, जो कि हेल्प करते हैं कमांडर और अंदर बैठे गनर को अच्छे और क्लियर व्यू देने में। और इसमें लगाए गए एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर ERA, जो कि इसको दुश्मन के अटैक से बचाते हैं और कम क्षति होने देते हैं। और ये ERA सिस्टम काफी मेंटेनेबल है, जिसमें 2 फेस प्लेट के साथ एक एक्सप्लोसिव लाइनर का यूज किया जाता है, और ये पूरा सिस्टम मिलकर इस टैंक को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। तो ऑल इन ऑल यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि ये टैंक T-90MS, जो कि इंडियन आर्मी में इंडक्ट किए गए प्रीवियसली T-90 भीष्मा से एक स्टेप एडवांस है, और लाइटर है, अजाइल है, और एक अच्छे खासे रेंज में दुश्मन को हिट करने में सक्षम है, जो कि काफी हेल्पफुल होगा इंडिया के वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर्स पे। तो इस डिफेंस सेगमेंट में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई, गिव अस अ लाइक, डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब। जय हिंद।